गोंडा में 50,000 का इनामी बदमाश अरेस्ट। गोंडा पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। गोंडा में 50,000 का इनामी बदमाश को देर रात उमरी बेगमगंज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीडी वंधा के पास से गिरफ्तार किया है। बदमाश उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में बीते 2020 में हुई एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था। डीआईजी देवीपाटन रेंज द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। रामकिशोर को परसपट्टी मजवार में 2020 को हुए मर्डर में आरोपी बनाया गया था। वह इस मामले में फरार चल रहा था। पुलिस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी और बीती रात यूपी एसटीएफ और उमरी बेगमगंज पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना उमरी बेगमगंज के पारसपट्टी मजवार का रहने वाला है। वहीं पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि गोंडा पुलिस और यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश को उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के पीडी बंदे के पास से देर रात पुलिस गश्त के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। थाना उमरी बेगमगंज पुलिस और यूपी एसटीएफ टीम के द्वारा 50,000 के इनामी रामकिशोर उर्फ बनवारी निवासी पारसपट्टी मजवार को आज गिरफ्तार किया गया है और इसमें 50,000 इनामी बदमाश था। आरोपी धारा 302 के मामले में वांछित चल रहा था। 3 सालों से और 50,000 का इनामी भी था और आज वांछित आरोपी को उमरी बेगमगंज पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। और जनपद गोंडा थाना उमरी बेगमगंज उत्तर प्रदेश एसटीएफ और थाना अध्यक्ष उमरी बेगमगंज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से 50,000 के इनामिया रामकिशोर पुत्र बनवारी निवासी पारसपट्टी मजवार को आज गिरफ्तार किया गया है। और इसमें ये 50,000 का इनामिया था। ये हत्या के एक मुकदमे में 184/2020 धारा 302-201 में जो है मकरूरी में चार्जशीटेड था। इसमें 50,000 का इनाम था और इसकी संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।